बापू हर रोज आते हो यहाँ पे? रोज कितनी पैसे हैं आपके पास? दस बारह तो इसकी देखी भी पाड़ी है तो किराए पे रहता। अच्छा बापू किराए पे करता? बापू चार छोर है मेरा, उनका बापू सू उनका बापू उसका 100 रुपए में दो जगह हो रही है जी। मास कट्ठी रखा। अच्छा कट्ठी मज्जा कट्ठिया रख दे। बापू नू पैसे दें फिर देने चाहिए बापू नू पैसे? बापू देश है नहीं। बापू हूं मैं तेरी वीडियो, बापू मैं हूं तेरी वीडियो बना रहा, मैं भी पैसे देवा बापू नू। जराबा जरूबा पा के आया बापू यार नजारे नाल है। बापू वीडियो बना लिया तेरी, मूवी बना लिया तेरी, तरवाजर उदा ही गल्ला कड़ा ले। पंजाब च लोग देखणगे तेरी वीडियो, YouTube पर हरियाणा में भी आ जाएगी, हरियाणा में भी आ जाएगी YouTube पे। यो हुजूर ए आ की लग गया तेरे बापू, आ की लाता ओए, ये किधरों लवा लिया है तू? मैं लाया इसमें आवाज आएगी बापू, इसकी तंखा तो नहीं कट जाए, आवाज आऊगी। बुढ़ापा पेंशन में लगा तो नहीं कट जाए इसकी? बापू जी बोले कि जब वीडियो बन गई तो आपकी बुढ़ापा पेंशन कट जाएगी, लोग देखेंगे तो ये तो जवान है बुढ़ापा पेंशन ले रहा है। इसमें आवाज आएगी, आवाज आएगी, हाँ आवाज आएगी तेरी, हाँ लगा ले। हाँ वो बोले कि तेरी बुढ़ापा पेंशन कट जाएगी। खट्टर सरकार, खट्टर सरकार बोनस देगी, बोनस। हाँ बोनस मोदी का आदमी है यो, जो मोदी का आदमी है ला दे वा ठीक है, मोदी की पर्ची घेड़ा यो। अच्छा कोई गल नहीं, ठीक है भाई। सज्जनों स्वाद आया यार, मैं ना तुहानू एक बहुत कम की चीज दिखाउण लग्या, पिछे कर लो एक ना बहुत कम की चीज दिखाउण लग्या। पोह दा महीना अज तरीक होगी 5, 5 तरीक आ 5 जनवरी का दिन है ये, तो हरियाणे दे विच हिसार दे विच, ते इत्थे ना 5 तरीक नूं मझां छप्पड़ ते लोग लैके आए नहाउण वास्ते। आ देखो सुबह दा वेला है, टाइम बजे 9:30, ते लोग अज तुहानूं बाहर निकल के मैं माहौल दिखाउणा, तुहाडे नाल गल करनी आ, बहुत कम दी गल करनी। यार ना मैं एक कविता पढ़ी सी, एक कविता सी न्याणे होंदे ना, मैं ना एक कविता पढ़ी सीगी, उहदे च ना न्याणे होंदे तो पाठ होंदा हुंदा सी, उहदे विच लिखिया हुंदा सी आदम दी जम लोड़ ने फाइयां इह पाणी दीआं परियां, भी बंदे दी ना भी मनुख दी माड़ी लोड़ ने ना इह पाणी दीआं परियां नूं दे गल फाहा पा लिया। इह उदों कविता हुंदी सी, मैनूं उह दो लाइनां याद आ गईआं इत्थे, भी इह देखो हरियाणे वालियां ने जे अज ना तुसीं हरियाणे की किसी भी सड़क तो दी लंघोगे ना पिंडा दी, उत्ते गोहा ही गोहा पिया होगा। कारण की आ कि उत्थे मझां ही मझां, मझां हर रोज़ घरों निकलदियां सी, छप्पड़ ही खत्म हो गए, साढ़े छप्पड़ खत्म हो गए। ये पानी नूं रीचार्ज तो करदा ही करदा, सब तो वड्डी गल आ नसल सुधारन दे विच छप्पड़ दा बड़ा योगदान आ। हिसार दीआं मझां मेरे सामने खड़ियां बजुर्ग, इन्हां नूं देखो नमाउन आए हुए आ, माहौल देखो किड्डा। बापू जी हर रोज आने इत्थे? हां बुलावा तड़कन मैं खड़ा कल, रोज आते हो? हां रोज आते हो, तो इसको सर्दी नहीं लगती? ना सर्दी को लगती, नहाते हैं हर रोज और पानी में पड़ा है। हां पानी में हर रोज? हां इतना पानी तो ठंडा बहुत है यार। हां ठंडा है पानी में बढ़ेंगे हैं, बढ़दे हैं पानी से। हां हर रोज लेके आने, कितने पशु है तोड़े कोले? मेरे पास? हाँ जी मेरे को चेहरे सब हमारी एक तरह पाती है जी। आ चार आ हाँ। आ चार पांच है बापू दिया। आ देखो यार किड्डियां सोनिया चोटी देख ले यार, देख ये देखो कल्ले सेंग सोंग शायद कहानी का जानवर दलेर हुंदा, दलेर जानवर दा डरपोक। आ देख मेरा शरारत कर दिया यार, ठंड किन्ना यार, इन्हां दा मन किन्ना खुश है यार जानवर। मैं तुहानूं एक होर दुध बारे एक तुहानूं होर गल दसदा, उदास दुखी पशु दा दित्ता दुध ते खुश पशु दा दित्ता दुध,
सेहत ते दुगना दुगना अफेक्ट करता, दुगना दुगना ये विज्ञान की खोज है। कोई ऐ नहीं मैं कह रहा, एक जानवर ने यार दुखी होया इरीटेट होया खड़ा, एक जानवर मस्ती करता, देखो ये मैं ये कोले जाऊंगा ना तो मेरा मेरा मस्ती करने दिल करूगा। हाँ मेरा मस्ती शरारत कर दी यार, भजदिया खेंदिया इतने नहादियाँ, बजुर्ग दसद कहते हर रोज नहादियाँ दो दो घंटे तीन तीन घंटे इन्हों मझा नहादिया, इन्ह ने छप्पड़ संभाल के रखिया, छप्पड़ कोई गंदा पानी नहीं पै रहा किसी भी पास तो। जे मैं गल करा ना छप्पड़ के पानी के जे हाँ गोहा हो सकता मझा का, इस तो अलावा छप्पड़ के कुछ नहीं। तो एरिया जे मैं तुम दिखाव तो यह एरिया घट्टो घट होगा 15 to 20 किलिया का एरिया होगा मझा का। साढ़े आया ने भारतां पा पा के छप्पड़ करते खत्म, जमा नैल करते छप्पड़ खत्म हो गए, छप्पड़ा का अस्तित्व भी खत्म हो गया पिंडा दे विचों। ते जे असी तो गर्मियों के बिच यार बाल्टियां ना नमाउण वाले बंदे, तो यह बई सर्दियों के पोह के दिनों जनवरी के दिनों छप्पड़ा च नमाउण वाले बंदे किथे ओ ते किथे ए, असी इन्हां नाल रलांगे किवें यार, इन्हां दी नसल दे मुकाबला किवें करांगे। आपां कहिंदे आ दुध चों कुछ बचदा नहीं, इन्हां नूं कुछ बचदा तां ही इन्ने ने डंगर लई फिरदे आ। सड़कां ते मैं तुहानूं सड़क ते लंघ के दिखाउणा, सड़क ते गोहा ही गोहा पिया, गोहा ही गोहा, ठीक है कि नहीं। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੱਪੜ ਬਚੇ ਆ ਨਾ, ਛੱਪੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਬਚਾ ਲਓ, ਛੱਪੜ ਬਚਾ ਲਓ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੌਣਕ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਜਾਣਾ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ, ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਹੋਣੀ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮਗਰ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੂ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੂ, ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੂ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਰੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਬਾਪੂ ਲਈ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਜਣੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਛੱਪੜ ਖੋ ਕੇ ਸੱਥਾਂ ਖੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਖੋ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਖੋ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਮੂਨੀਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮੂਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਸਵੇਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਨੇ 3-4 ਵਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਸਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਦੋਸ਼ੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਲੇ ਲੈ ਜੇ ਤੋਂ ਚਲ ਚਲ ਗਏ ਆ ਜਾਓ।